एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान में थाना सदर बाजार पुलिस एवं एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से शहर में एक गिरोह चाबी बनाने के बहाने घरों में लूटपाट कर रहा था, जिसकी काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार एवं एसओजी के द्वारा 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये लोग घरों में चाबी बनाने के बहाने घटना को अंजाम देते थे। ये सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं। इनके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी, 8 मोबाइल, 20,185 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ, CO2 चित्रांशु गौतम जी के नेतृत्व में और सदर बाजार थाना प्रभारी ने एक बहुत सारे सराहनीय काम किया है। इसमें एक इंटरस्टेट ये गैंग है, ये गैंग ठगों का है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रहने वाले सब गुजरात के हैं, दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। ये लोग चाबी बनाने का काम करते हैं, तो ये घर घर जाते थे, चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसते थे, एंट्री लेते थे और किसी को चाबी बनाते हुए कभी जब कोई कोई नहीं देख रहा होता था तो उनके यहाँ से कीमती सामान निकाल लिया करते थे। इसी तरीके की 2 घटनाएं इन्होंने सहारनपुर में करी हैं बीते दिनों, एक कोतवाली देहात में, एक सदर बाजार में। तो ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए आज सुबह 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास से। सर, क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी हाँ, पिछली 2 चोरियों में जैसे मैंने आपको बताया, सदर बाजार में जो चोरी हुई थी उसमें ज्वेलरी गई हुई थी, ज्वेलरी और कैश गया था, तो ज्वेलरी और कुछ कैश रिकवर कर लिया गया। इस तरह कोतवाली देहात में भी जो पूरा सामान गया था उसकी 100% रिकवरी हो गई है। जी हाँ, दिखाया जा रहा है इनका अमृतसर में, इसमें से एक गैंग सदस्य है शहनशाह, उसका अमृतसर में कुछ 3-4 मुकदमे सामने आए हैं, वहाँ से डिटेल हम मंगा रहे हैं। सर, टीम को कोई नाम? जी हाँ, ये इस सराहनीय काम के लिए मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रिकमेंडेशन दी है कि गिरफ्तारी टीम को इनाम दिया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।